गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, यहां पर भी आज सुबह 7 बजे से मतदान होगा। तो आज लोकतंत्र के महासमर का ऐतिहासिक दिन है, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की आज वोटिंग, यूपी समेत 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। तो गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे मतदान, कई दिग्गज भी अपना बूथ का इस्तेमाल यहां पर करेंगे। वाराणसी और गोरखपुर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज लोकतंत्र के महासमर का ऐतिहासिक दिन है, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की जो वोटिंग है वो आज होगी और 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे कि आखिर किसकी किस्मत चमकी या फिर किसकी निराशा हाथ लगी। तो यूपी समेत 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज वोटिंग। तो आज आखिरी चरण का मतदान होना है। बात करें देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की, तो यूपी की 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं जिसमें वाराणसी गोरखपुर जैसी हॉट सीट भी शामिल है। और ये देखिए तमाम जो संवाददाता हैं अलग अलग सीटों से हमारे साथ बने हुए हैं, जो हर एक जानकारी आज के इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर मतदान से जुड़ी देंगे। तो यूपी की सभी सीटों से न्यूज सेट के संवाददाता लगातार आपको अपडेट देंगे। बिल्कुल, हर एक बूथ की तस्वीर भी अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इसके अलावा बूथ पर जो मतदाता पहुंचेंगे आशिमा, उनसे भी हमारे सहयोगी बातचीत करेंगे, क्योंकि भीषण गर्मी भी पड़ रही है। गर्मी किस तरह से चुनौती आखिरी फेज में देखने को मिल सकती है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जेबी सिंह बांसगांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा जितेंद्र रॉबर्ट्सगंज से हैं, आदित्य बलिया से और विजेंद्र महाराजगंज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विजेंद्र आपके पास आते हैं, अगर बात करें महाराजगंज की तो वहां पर फिलहाल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? और इस बार विजेंद्र देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है गर्मी, और गर्मी से निपटने को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, मतदाता परेशान ना हो, मतदान कर्मियों को परेशानी ना हो इस भीषण गर्मी में, उसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से क्या व्यवस्थाएं? ठीक है, विजेंद्र के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले जेबी सिंह का एक बार रुख करते हैं। जेबी, अगर बांसगांव की बात करें तो बांसगांव में फिलहाल किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं आखिरी चरण के मतदान को लेकर? देखिए, ये आज 1 जून को 7वें चरण का ये आखिरी मतदान है और इसके बाद से 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बांसगांव की बात करें धीरेन्द्र, तो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और हर बूथ पर सारे मतदान कर्मियों पहुंच चुके हैं और वहां पे ड्यूटी में अपना मुस्तैद है। और कुछ ही देर बाद यहाँ से पोलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और मतदाताओं की जो है हुजूम बूथों तक उमड़ेगी। फिलहाल अब आने वाले समय में किस तरह के हालात होंगे, अभी हम एक चौखड़ी बूथ पे खड़े हैं। ये बांसगांव का प्राथमिक विद्यालय चौखड़ी है, यहाँ पर जो है मतदान कर्मी पूरी तरह से चाक चौबंद अपनी व्यवस्था में जुटे हुए हैं और शीघ्र मतदान कराने का क्रम जो है 7 बजे से शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, और रॉबर्ट गन का भी रुक कर लेते हैं जहां जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो मतदान से पहले किस तरह की व्यवस्था धरातल पर? जितेंद्र आप तक आवाज पहुंच पा रही? चलिए जितेंद्र से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आदित्य भी हमारे साथ बलिया से जुड़े हुए हैं। आदित्य, अगर बलिया की बात करें तो बलिया में फिलहाल किस तरह का सियासी माहौल है और मतदान को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई हैं? जी बेशक धीरेन्द्र, अगर बात करें हम बलिया की तो बलिया में कुल 2606 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। अगर बात करें माहौल की तो यहां पे बलिया इस बार अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने जा रहा है। लोगों में एक उत्साह, एक उमंग देखने को मिल रही है वोटिंग को लेकर के। और भीषण गर्मी, जैसा कि दिखा जा रहा है कि कई जिलों में हीटवेव का लोग शिकार हो रहे थे, भीषण गर्मी के बावजूद लोग घरों से बाहर निकलने वाले हैं। और इस चीजों को देखते हुए निर्वाचन विभाग की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है। यहां पे हर बूथ पर एक मेडिकल कर्मी को नियुक्त किया गया है जो जिसके पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयां ORS पैकेट होंगे। हर बूथ पर पानी की व्यवस्था की गई है, फिल्टर्स की व्यवस्था की गई है ताकि मतदान कर्मी या फिर जो मतदाता है उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। और जो अगर किसी प्रकार की विषम परिस्थिति बनती भी है तो जो मेडिकल कर्मी यहां पर नियुक्त किया गया है वो उस विषम परिस्थिति में लोगों की सहायता कर सकेगा। बात की जाए अगर पोलिंग बूथ की तो 2606 पोलिंग बूथ बनाए गए और 19 लाख जो मतदाता है वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले।
रहे हैं और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसके बाद प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम के बक्से में कैद हो जाएगी और 4 जून को उनके भाग्य का फैसला होने वाला है। जी धीरेन्द्र, एक बार फिर से ब्रिजेंद्र का रुख कर लेते हैं जो महाराजगंज से हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिजेंद्र, आपके पास क्या तस्वीर है मतदान से पहले? जी बिल्कुल, बता दें कि इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये नौतरवां विधानसभा पड़ता है और यहां पे देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पिंक बूथ बनाया गया है। इसको किस तरीके से सजाया गया है क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और इसको किसी भी तरीके से मतलब कोई भी कताई नहीं बरती जा रही है। आप यहां देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुलिस बल यहां पे तैनात है, बूथ पे हर व्यवस्था की गई है, यहां पे टेंट लगाया गया है और ताकि जो मतदाता यहां पे आए तो उनको धूप से बचने के लिए कुछ राहत मिल सके। बात करें कि इस बूथ पर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है, अभी 7 बजे से ही मतदाता यहां पे आएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी विजेंद्र, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि गर्मी एक बड़ी चुनौती और लास्ट फेज चुकी है, लगातार चुनाव आयोग अपील भी करता आया है मतदान को लेकर, प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से भी लोगों से खास अपील भी की गई मतदान को लेकर, लेकिन इस बार पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि गर्मी अपने प्रचंड रूप में है। तापमान कई जगहों पर 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया, कई जगहों पर यह भी देखने को मिला कि जो मतदान कर्मी है वो तक बीमार पड़ गए, इस गर्मी को झेल नहीं पाए। ऐसे में महाराजगंज की बात करें तो वहां पर क्या गर्मी से बचने के लिए भी इंतजाम इस बार किए गए हैं? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन द्वारा प्रचार प्रसार भी किया गया है, इसमें पहले मतदान फिर जलपान और सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो, इस तरीके के नारे के साथ लोगों को जागरूक किया गया है। इसके बाद जो जितने भी बूथ बनाए गए हैं वहां पे पानी की अच्छी व्यवस्था और साथ में शरबत और यहाँ पे मेडिकल किट हर चीज की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जिससे जो भी मतदाता है जब वो बूथ पर मतदान करने के लिए आए तो उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और जिससे मतदान प्रतिशत पिछली बार की अपेक्षा इस बार अधिक बढ़ाया जा सके। जी ठीक है विजेंद्र, बने रहिए लगातार आपके पास हम आएंगे। जितेंद्र हमारे साथ रॉबर्ट्सगंज से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, रॉबर्ट्सगंज की बात करें तो यहां पर क्या कुछ सियासी माहौल और फिलहाल मतदान केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्थाएं, मतदान को लेकर कितना उत्साह रॉबर्ट्सगंज की जनता में? जी देखिए बता दूं कि आखिरी चरण में चुनाव हो रहा है, प्रशासन ने चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी की है। अगर मतों की बात करें तो यहाँ मतदाता लगभग 18 लाख के आसपास हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। थोड़े ही समय के बाद यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतदान को देखते हुए जिला प्रशासन ने सारे कार्य दुरुस्त कर लिए हैं, चाहे सांस की बात हो, पानी की व्यवस्था हो, कुर्सी की व्यवस्था हो, सारे चीजों को दुरुस्त किया गया है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि बीते कुछ समय पे कुछ दिनों पहले जिस तरह हीट स्ट्रोक हीट वेव के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जैसे ही दिन का पारा ऊपर चढ़ रहा है तो लगातार आसमान से आग बरस रही है। इसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं प्रशासन ये सकते में है कि किस तरह वोटर बाहर निकल पाएंगे, किस तरह वोट कर पाएंगे, वोटिंग परसेंटेज क्या हो सकता है। तो कल भी हमारे जिले में देख सकते हैं कि हीट स्ट्रोक से 3 लोगों की मौत हो गई है, 3 मतदान कर्मियों की मौत हुई है और कितने आईसीयू भर्ती है। तो इस तरह के जो टेम्परेचर हाई हुए हैं सुबह के बाद, जैसे 10 बजे के बाद। बिल्कुल जितेंद्र, आप तमाम व्यवस्थाओं को तस्वीर के जरिए भी दिखाइएगा कि किस तरह से जो व्यवस्था है वो पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले न्यूज रूम का भी रुख कर लेते हैं। ऋतु हमारे साथ, हमारे सहयोगी बनी हुई है। ऋतु, क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल आशिमा, और लोकतंत्र का ये महासमर जिसको लेकर के पल पल की तस्वीर न्यूज स्टेट आज पूरे दिन दिखाने वाला है। आज मेगा कवरेज के जरिए दिखाएंगे कि किस तरीके से 7वें और अंतिम चरण में तस्वीर रहने वाली है। आज का जो सियासी तस्वीर है किस तरीके से निकलकर सामने आएगी। 7वां और अंतिम चरण आज है, आखिरी दिन वोटिंग का। 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज मतदान होंगे, लिहाजा आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की भी 13 सीट